तो सबसे पहला क्वेश्चन शांभव के लिए। शांभव, यस मैम। कौन सा ऐसा एल्गे है जिसका जो स्टोर्ड फूड है वो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से सिमिलर है? रेड एल्गे। रोडोफाइसी। वेरी गुड। रोडोफाइसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे ये बताएंगे कि जो गैमा होते हैं उनका नेचर क्या है? मैं आपको कीवर्ड्स बता रही हूँ, ग्रीन, नॉन ग्रीन, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। ग्रीन, मल्टीसेल्युलर, एसेक्सुअल प्लांट्स। शाबाश, एक्सीलेंट। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएंगे जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स में आप मुझे तीन चीजें बताएंगे। एक बताएंगे कि उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ये बता दीजिए। गिल्स, बुक गिल्स और बुक लंग्स। गिल्स भी हैं, बुक गिल्स भी हैं और बुक लंग्स हैं, और ट्रैकियल सिस्टम है ना। उसके अलावा आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो हैं इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किसमें? आर्थ्रोपोड्स में। दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं, एक्सीलेंट। तो इनमें बैलेंसिंग ऑर्गन्स क्या होते हैं? स्टैटोसिस्ट। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि स्क्लेरिट्स के बेस्ट एग्जांपल क्या हैं और स्क्लेरिट्स कौन से टिश्यू का मॉडिफिकेशन है? स्क्लेरिट्स स्क्लेरेन्काइमेटिस होते हैं। और एग्जांपल में फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, टी लीव्स और पल्प ऑफ ग्वावा, पियर एंड सपोटा। एक्सीलेंट, बस फुल। अब आप मुझे बताएंगे कि फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म, फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म, इनमें से लिविंग टिश्यू कौन सा है, कौन कौन सा है ये भी बोल सकते हैं। फेलोडर्म लिविंग रहेगा और बाकी तो डेड रहेंगे। राहुल, सही बोला है क्या शंभव ने? नहीं मैम, फेलोजन लिविंग है, बाकी डेड। दानिश मैम, फेलोजन एक और कैम्बियम है तो वो लिविंग होगा। और उसके अलावा एक और चीज लिविंग हो सकती है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स नहीं होगा क्या? सेकेंडरी बेटा, ये अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कितने गलत, कितने लिविंग हैं, कितने नॉन लिविंग है। राहुल बेटा, सिर्फ कॉर्क जो है ना वो डेड सेल्स का है ना। तो जो मेरिस्टमेटिक है यानी कि अपना कॉर्क कैम्बियम, वो भी मेरिस्टमेटिक है तो वो भी लिविंग है। उसके अलावा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, वो भी क्या है, लिविंग है ना। तो दानिश और शांभव और राहुल, तीनों बच्चे इस चीज को अच्छे से मार्क कर लो अगर फुल मार्क्स लाने हैं। ठीक है क्या? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताएंगे शांभव कि जो कॉकरोच का जो मिड गट है और हाइंड गट है उसमें से ब्रॉड कौन सा है? हाइंड गट। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए स्पाइरिकल्स कितने पेयर होते हैं कॉकरोच की बात चल रही है? 10 पेयर। शाबाश, कौन से साइड में प्रेजेंट हैं, वेंट्रल, डोर्सल और लेटरल? डोर्सल। राहुल मैम, लैटरल साइड। शांभव याद कर लो, लैटरल। शांभव साइड्स में होते हैं ना बेटा, साइड्स में होल्स yes, होते हैं है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कॉन्शियस मत हो बिल्कुल शांभव, ठीक है, कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। ठीक yes, है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आप बताओगे शांभव, फ्रॉग पढ़ा है क्या? यस। ठीक है, तो आप ये बताओगे कि फ्रॉग कौन सी कंडीशन में वाटर ड्रिंक करता है? हम कभी भी नहीं करता, हमेशा अब्सॉर्ब करेगा स्किन के थ्रू। एक्सीलेंट, अच्छा अब आप ये बताएंगे कि उसके फोर लिम्स में कितने डिजिट्स हैं और हाइंड लिम्स में कितने डिजिट हैं? फोर लिम्स में फोर डिजिट्स, हाइंड लिम्स में फाइव। एक्सीलेंट, ठीक है, अच्छा अब आप एक बात बताओ, ये जब वो पानी के अंदर होगा तो कैसे ब्रीथ करेगा?
पानी के अंदर क्यूटेनियस थ्रू स्किन. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. अच्छा अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं सीलिया और फ्लैजिला का, तो बाहर के पेरिफेरल डबलेट्स जो होते हैं वो अंदर किस शीथ से कनेक्टेड रहते हैं? सेंट्रल शीथ. सेंट्रल शीथ होती है. तो क्या दोनों डबलेट्स कनेक्टेड रहते हैं? नहीं, ए, दोनों में से एक. शाबाश, वेरी गुड. ठीक है, अब आप एक बात बताइए, बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला एमर्ज फ्रॉम डैश? मैम, यूकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन. फिर से बोल रही हूँ, बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला एमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डैश. बेसल बॉन्ड. एक्सीलेंट, बहुत अच्छे. ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि अगर हम पूरा सेल्यूलर मास समझते हैं प्रोटोप्लाज्म, तो उसमें लिपिड का परसेंटेज कितना होता है? 2%. एक्सीलेंट. मेरी नजर में आज की डेट में तुम मेरे लिए सबसे फर्स्ट नंबर पे हो फुल मार्क्स लाने के उसमें, पर बहुत ज्यादा इस चीज को जमीन से ही जुड़े रहना और पढ़ते रहना. जैसे आज आपकी दो गलतियां हुई हैं और मुझे नहीं लगता है कि आपकी वो दो गलतियां भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मैं अंदर से ही पूछूंगी क्वेश्चन, सुपरफिशियली तो मैं पूछूंगी ही नहीं, आप जानते हो. अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि जो रबर हैं और गम्स हैं वो कौन सी कैटेगरी के सब्सटेंसेस हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में? पॉलीमरिक. एक्सीलेंट. अच्छा, तो अब आप मुझे एक चीज बताएंगे कि जो मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड बनता है उसमें कितने स्टेप्स हैं इन्वॉल्व्ड? मैम, ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड में 10 स्टेप्स हो गए एंड पाइरुविक से लैक्टिक एसिड में एक स्टेप, तो 11 हो जाएंगे. एनसीईआरटी में 10 दिया हुआ है तो वही याद करना है. ठीक है, समझ गए ना? यस मैम, लाइन तो है. यस, हाँ, तो वही चाहिए मुझे, है ना? मुझे तो उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं जाना है. ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताएंगे, डायड ऑफ सेल्स कब मिलता है? टेलोफेज़ वन के बाद. एक्सीलेंट. ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि जो एक्स शेप स्ट्रक्चर्स हैं काइज़मेटा वो कौन से स्टेज में हमें दिखता है? डिप्लोटी. अच्छा, मैं एक लाइन बोल रही हूँ, वो दानिश कंप्लीट करेगा. दानिश? यस मैम. दानिश, खाना खा लिया? यस मैम, मतलब इफ्तार कर लिया, खाना नहीं खाया. हाँ, मतलब वो मुझे पता नहीं है ना कि वो क्या बोलते हैं, वही मेरा मतलब था एक्चुअली. तो दानिश नाराज तो नहीं है कि आज ही के दिन मैडम ने वाइवा रख लिया? नहीं मैम, बिल्कुल ठीक है. तो अगर ऐसे अपन हर संडे वाइवा रखेंगे तो ये जितने बच्चे बैठे हैं सबके फुल आ जाएंगे. दानिश, तो अब दानिश एक चीज बता, इन डैश डैश डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और इयर्स? कोई बात नहीं, आराम से सोच. इन डैश कोई सेल्स हैं बेटा जिनमें डिप्लोटीन मंथ्स या इयर्स तक चल सकता है. ऊसाइट्स, है ना? ऊसाइट्स किसमें बेटा? सम वर्टिब्रेट्स में, है ना? ठीक है, शाबाश. नेक्स्ट मुझे आप ये बताएंगे शंभव, द पोरिंस आर डैश, क्या है उनका नेचर, क्या है? दैट फॉर्म ह्यूज पोर्स इन द डैश मेम्ब्रेन्स ऑफ प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया. यानी एक तो आपको उनका नेचर बताना है और कौन सी मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन में या इनर मेम्ब्रेन में पोर्स बनाते हैं? मैम, प्रोटीन होते हैं. एक्सीलेंट. इनर मेम्ब्रेन में बनाते हैं. संभव, आउटर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन है संभव. यस, तो ये चाहिए मुझे, ये फुल अगली बार, और ये बहुत अच्छा है जो अभी गलतियां निकल के आ रही हैं. ठीक है ना? यस, तो नोट कर लो कि आज आपको रीड करना है ये वाली चीज जो गलत हुई है, है ना? अच्छा, अब आप मुझे एक चीज बताएंगे राहुल. राहुल बेटे? जी मैम. मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ लिया है? पढ़ा तो था काफी टाइम पहले.
याद है थोड़ा बहुत, काफी टाइम पहले, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताएंगे, वैसे तो आपने ये अच्छे से याद किया ही है कि कौन कौन से एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी से नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस ना मैम, एक मिनट मैम पेन और वो लेके बैठो, मैं लिख लूं। बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता है। मैम आयरन कॉपर, एक मिनट सॉरी मैम, हाँ कैल्शियम कॉपर Mg और पोटेशियम। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत गलती से वो क्लोरोसिस सोचने लगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप मुझे एक बात बताओ राहुल, शाम्भव तुम थोड़ा सा रिलैक्स करो 5 मिनट, मैं तुम्हें इतनी जल्दी फ्री नहीं करूंगी, है ना। तो ये बताओ राहुल जी मैम, किस फॉर्म में CO2 20-25% कैरी होता है, किस फॉर्म में? किस फॉर्म में 20-25%? 70% होता है बाइकार्बोनेट और बाकी 7% प्लाज्मा। तो आरबीसी मतलब ब्लड में, मतलब किस, नहीं तो नाम बताओ ना, कार्बोक्सी है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, दानिश इसको सही करो, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अच्छा कार्ब, कार्बोक्सी क्या होता है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड जुड़ जाता है, ये क्या है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है ना जी मैम, ठीक है। तो अब दानिश बताएगा, दानिश एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स -ml ऑफ CO2 टू एल्वियोलाई, 4 ml। शाबाश, तो अब दानिश बताएगा, दानिश यस मैम, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का दूसरा नाम, वेरी गुड। अच्छा अब एक लाइन पढ़ रही हूँ दानिश, आप इसको कंप्लीट करेंगे? यस मैम। डैश नर्वस सिस्टम डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड कार्डियक आउटपुट, पैरासिम्पेथेटिक, ठीक है। अब मुझे दानिश एक चीज बताएंगे आप, 3 लेयर्स बता दो ब्लड वेसल की जो लाइनिंग होती है, और मुझे ये बता दो कि जो इनर लाइनिंग है यानी ट्यूनिका इंटीमा वो किससे बनी है। ट्यूनिका इंटीमा बनी होती है इलास्टिन फाइबर से, और जो 3 लेयर्स है वो एक्सटर्ना और ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका दानिश ऐसा क्यों बोला आपने कि वो इलास्टिन फाइबर्स की बनी है? मैम मैं वो कंफ्यूज हो गया था, जो अंदर की लेयर है वो स्क्वामस एंडोथीलियम की बनी हुई है, क्लियर है? यस मैम, ठीक है। तो अब मुझे ये बच्चा बताएगा राहुल, राहुल बेटा जी मैम, राहुल मुझे ये बताओ कि स्फिंक्टर ऑफ ओडाक कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? स्फिंक्टर हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग में, है ना? हाँ, हाँ। ठीक है, तो क्या कॉमन बाइल डक्ट और हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट में कुछ अंतर है? हाँ मैम, हम कॉमन बाइल डक्ट सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट से मिला के बनाती है हेपाटो पैनक्रियाटिक, मतलब कॉमन डक जो है वो कहाँ कहाँ से आएंगे, गॉल ब्लैडर की डक और लिवर की डक, दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक, कॉमन बाइल डक, और वो मिलके फिर पैनक्रियाटिक डक से हो जाएगी हेपाटो पैनक्रियाटिक डक, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताएंगे राहुल जी मैम, ब्रूनर्स ग्लैंड कौन सी लेयर के मॉडिफिकेशन है? ब्रूनर्स ग्लैंड मैम सब म्यूकोसा ऑफ डुओडेनम, एक्सेलेंट, ठीक है। अच्छा तो मुझे एक चीज बताओ, ये एक एक्सपेरिमेंट, अर्ली एक्सपेरिमेंट किए गए थे फोटोसिंथेसिस में टू प्रूव दैट CO2 इज नेसेसरी, तो वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है? टू प्रूव दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस मैम जूलियस फोन साक का शायद,
दानिश नहीं वो ग्लूकोज मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट एक्सीलेंट बहुत बढ़िया मैम ये एनसीईआरटी में है क्या ये रानी वाली में तो था एक्सप्लेनेशन है मैम लेकिन नाम नहीं है एक्सप्लेनेशन है पर नाम नहीं है और नाम बहुत जरूरी है वो इम्पोर्टेंट है मैंने तो पढ़ाया है आपको कि वो जो आधी लीफ है उसको डिप कर लेंगे KOH में बेटा राहुल तो वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसको बोलते हैं मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं नाम नहीं पता था उसका अभी नोट करो रजिस्टर लेके बैठे हो आज जो तुम्हारी दो गलतियां हुई है ना उसने मेरे को दिल में बहुत दुख दिया है तुम्हें पता नहीं समझ गए शंभव ठीक है तो उसको नोट करो मैं लगभग आप लोगों को जब जब आप लोग बोलोगे मैं लगभग हर संडे वाइवाज रखूंगी ठीक है ताकि मेरे बच्चे फुल लाएं आप सहमत हैं इससे दानिश यस मैम ये तो नहीं बोलोगे कि मैडम जीने नहीं दे रही हैं परेशान कर रही हैं नहीं मैम ठीक है तो जो जो बच्चा वाकई फुल लाना चाहता है क्योंकि अपन को क्या लगता है यही हंस रहा है दानिश वो सोचेगा कि पीछे से बुराई करूंगा शाम्बा से अभी थोड़ी कुछ बोलूंगा ठीक आयुष भी आ गया क्या हीरो आयुष यस मैम तू किस तैयारी से आया मैं तो सुनने आया हूँ अभी तू सुनने आया ठीक है चलिए शाम्भव महाराज यस मैम मैदान में आ जाइए सलाइवरी एमाइलेज का पीएच बताइए 6.8 अच्छा तो ये बता दीजिए कि कौन से सेल्स म्यूकस सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में तीन टाइप के सेल्स होते हैं उसमें कौन से सेल्स म्यूकस सीक्रेट करते हैं म्यूकस नेक सेल्स म्यूकस नेक सेल्स बहुत अच्छे तो ये बता दो कि दानिश से पूछूं क्या दानिश यस मैम सक्कस एंटेरिकस का कॉम्पोजिशन बता दो मैम सक्कस एंटेरिकस में लाइपेज होंगे प्रोटीएज होंगे न्यूक्लियस होंगे और मैम कौन एक शुगर होते हैं लाइपेसेस भी होते हैं क्या लाइपेस बहुत स्मॉल अमाउंट्स में होता है लाइपेस तो होते हैं ना इसमें बेटा यस मैम और मैम डायकार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी होते हैं वेरी गुड ठीक है चलो अब आप मुझे एक बात बताएंगे दानिश फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल फाइब्रस जॉइंट ब्रेन्स में जो बोन्स रहते हैं उनके बीच में जो जॉइंट्स रहते हैं फाइब्रस जॉइंट होते हैं क्या नाम है उनका जैसे टेम्पोरल पैराइटल बोन नाम क्या है फाइब्रस नाम क्या है सूचर्स ठीक है तो राहुल बताएगा कि एक्शल स्केलेटन में कितने बोन्स हैं टोटल मैम अपेंडिकुलर में 126 तो बाकी बचे 80 एक्शल ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है चलो अब आप मुझे एक बात बताओगे व्हाइट फाइबर्स और रेड फाइबर्स में किसमें क्या कम किसमें क्या ज्यादा रहता है व्हाइट फाइबर्स और रेड फाइबर्स हाँ राहुल व्हाइट फाइबर्स और रेड फाइबर्स में क्या अंतर है मैम रेड फाइबर्स में वो ज्यादा रहता है मायोग्लोबिन व्हाइट फाइबर्स में वो कम रहता है रेड फाइबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया व्हाइट फाइबर्स में क्या ज्यादा है मुझे ये बताओ कैल्शियम दानिश एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत अच्छे वेरी गुड ठीक है तो अब दानिश तुम हमारे से 10 क्वेश्चंस बैक टू बैक उसके बाद राहुल से 10 क्वेश्चंस बैक टू बैक अगर दानिश से कुछ भी नहीं बनता है तो राहुल आपको ट्राई करना है मतलब कुछ भी नहीं मतलब अगर कुछ भी बाय चांस नहीं बनेगा वैसे तो उससे सब बन ही जाएगा चलो दानिश ये बताओ उस दिन जब रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी तब शाम्भव को वाइवा सुनना चाहिए था मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में इतना अच्छा वाइवा नहीं सुना जब से पढ़ाना शुरू करा है मैंने 15 साल हो गए मैंने इतना अच्छा बेहतरीन वाइवा नहीं दिया और आज शाम्भव बड़े टेंशन में क्यों शाम्भव इन सबको छोड़ो जो सुनने आए हैं वो सिर्फ सुनने आए हैं बस है ना आज काफी पब्लिक आई है आपने नहीं अभी तो आधी पब्लिक आई नहीं है ये पब्लिक इसलिए ताकि ये लोग सीखें कि कैसे वाइवा देते हैं अब इन लोगों को भी कुछ करना है ना आगे तो यहाँ पर अब बताएंगे स्केला वेस्टिबुला एंड सैट डैश दानिश महाराज
मैम स्केला वेस्टिबुलाय जो टिम्पैनी होती है पानी गोल गोल तो राउंड पेंड होती है और वेस्टिबुलाय होती है ओवल पेंड। अच्छा ठीक है हाँ निमोनिक तैयार करने का। अच्छा अच्छा निमोनिक का वो शाम्भव ये पता क्या बोल रहा था कि फिर आप रिकॉर्डिंग करोगे तो फिर मैं मस्ती नहीं कर पाऊंगा इसको वाइवा में भी कुछ कुछ करना है बीच बीच में। चलो ठीक है अब ये बताएंगे दानिश महाराज सैक्यूल एंड यूट्रिकल कंटेन अ प्रोजेक्टिंग रिज कॉल्ड डैश मैक्यूला। बहुत बढ़िया ठीक है अब आप मुझे बताएंगे इंसुलिन का नेचर बताओ केमिकल नेचर प्रोटीनेशियस। बहुत बढ़िया अच्छा जी तो आप मुझे सेकेंडरी मैसेंजर्स के चार तीन नाम बता दो। मैम कैल्शियम 2+ उसके बाद CAM और साइक्लिक एमपी और अभी तो दो ही याद आ रहा है राहुल IP3 बहुत बढ़िया ठीक है तो अब मुझे राहुल बताएंगे राहुल ईच कॉक्सल बोन इज मेड अप ऑफ मेड बाय फ्यूजन ऑफ डैश 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 ईच कॉक्सल बोन ना तो प्यूबिस मतलब इलियम प्यूबिस और एक और इस्टियम इस्टियम हाँ इस्टियम ठीक है तो शाम्भव बताएगा शाम्भव ये जो दो हाफ्स होते हैं पेल्विक गर्डल के वो कहाँ मीट होते हैं और कौन से कार्टिलेज। मैम वेंट्रली मीट होते हैं फाइब्रस कार्टिलेज। एक्सीलेंट बहुत अच्छे तो शाम्भव बताएंगे शाम्भव। यस मैम ये जो कलेक्टिंग डक्ट है कलेक्टिंग डक्ट उसका काम पीएच को भी बैलेंस करना है कैसे। मैम कलेक्टिंग डक्ट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अमोनिया एंड एच प्लस आयंस भी सीक्रेट करता है बैक प्लस एंड एच प्लस है ना के प्लस एंड एच प्लस एंड एच प्लस ठीक है बहुत अच्छे। चलिए अब वापस आ जाइए दानिश दानिश महाराज। यस मैम। दानिश मुझे एक बात बताओ कि जो एंगलमैन ने एक्सपेरिमेंट किया था हाँ कौन से ऑर्गेनिज्म किया था। क्लैडोफोरा। ठीक है वो ग्रीन एल्गे रेड है ब्राउन है क्या है। ग्रीन एल्गे। अच्छा तो इंजन हाउस ने क्या किया था। इंजन हाउस ने ये प्रूफ किया था कि एक तो लाइट नर्सरी होती है हाँ और फिर उसके बाद उसने एक और ये प्रूफ किया था कि ऑक्सीजन इवॉल्व होता है ये प्रूफ किया था जब जो बबल्स आते हैं है ना होते हैं वो। कौन सा प्लांट लिया था कौन सा प्लांट लिया था इंजन में एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला। हाइड्रिला हाँ मैम ऐसा हाइड्रिला एनसीईआरटी में आपने लिखवाया था। हाँ तो तुम मेरी बात कहाँ सुनते हो। नहीं ये हमारा लड़का ये नहीं सुनता है हमारी बात है ना। नहीं मैम ऐसा नहीं। Hollywood potential is always positive, sometimes negative, always negative. Always negative. अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छे। तो अब मुझे एक बात बताओ। सोच रही हूँ दानिश से ऐसे पूछूं जो उसको थोड़ा सा तकलीफ हो। क्या दानिश? चलो, एक CO2 एंटर होने पे कितने एटीपी खर्च होंगे। एक CO2 एंटर होने पे कितने एटीपी खर्च होंगे। 380। शाबाश वेरी गुड। अच्छा ये बता दो कोरोइड लेयर का नेचर कैसा है कहाँ उसकी पोजीशन है और किसकी बनी है। अच्छा जो कोरोइड लेयर है उसका टू वो थिन रहती है पोस्टीरियर 2/3 पर और वैसे उसकी पोजीशन क्या है बेटा बीच में है ना मिडिल लेयर। यस मैम और वो आगे जाके थिक हो जाती है और सीलरी मसल्स सीलरी बॉडी बनाती है सीलरी बॉडी। तो इसमें ये ब्लूइश इन कलर दिखती है ऐसा सही है क्या। यस मैम ब्लूइश इन कलर होती है। ठीक चलिए अब राहुल की बारी। राहुल जी मैम। राहुल मुझे इनसाइड टू आउटसाइड रेटिना की लेयर्स बता दे। मैम मतलब वो एक मिनट मैम
सॉरी मैम, वो दादाजी आ गए थे। कोई बात नहीं, इनसाइड टू आउटसाइड। इनसाइड टू आउटसाइड मतलब मैम वो लेयर्स बोल रहे हो आप या लाइट कैसे ट्रैवल करते हो? नहीं नहीं मैंने तो ये पूछा कि मुझे रेटिना की लेयर्स बता दो इनसाइड टू आउटसाइड। मैम सबसे पीछे स्क्लेरा, फिर रेटिना की लेयर्स, रेटिना समझा नहीं, रेटिना की लेयर्स इनसाइड टू आउटसाइड। दानिश बताएगा, दानिश थोड़ी प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर लें। यस मैम। शाबाश, तो मुझे एक बात बता, डैश वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। एक्सीलेंट, तो मेरा शंभव बताएगा। शंभव? यस मैम। कौन सा सिंथेटिक ऑक्सीजन है? सिंथेटिक ऑक्सीजन का नाम नैफ्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D। एक्सीलेंट, ठीक है। राहुल या दानिश जो पहला दे दे, डैश कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ऑक्सीजन। एक्सीलेंट, ठीक है, तो हमारा दानिश बताएगा। दानिश महाराज? यस मैम। डैश एंड डैश आर फैगोसाइटिक इन नेचर एंड आर डैश इन परसेंटेज, मतलब डब्ल्यूबीसी की बात हो रही है। मैम फैगोसाइटिक होते हैं मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। हाँ, अच्छा, एक बात बताऊं, प्लाज्मा का कंपोजिशन बता देगा पूरा? हाँ, 92% तो अपना वाटर होता है, उसके बाद बाकी 8% में से प्रोटीन्स होते हैं ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजन। उसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, लिपिड्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, समझ गए? यस मैम। ध्यान रखना आजकल ऑल द अबव या कॉमा 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 वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो कैसा रहा आज का वाइवा मेरे बच्चों का? कहीं से भी पूछ लेना, और क्या है जब एग्जाम देते हैं तो फिर भी थोड़ा सा सोचने का टाइम मिलता है ना, बच्चा थोड़ा सा शांति से सोच सकता है। वाइवा में क्या है, वाइवा और टफ होता है ना राहुल जी? वाइवा इसलिए टफ होता है क्योंकि एक तो क्या है, ऐसे लग रहा है कि सारे बच्चों के बीच में इनको खड़े होकर अपन लोग ओरल पोएम्स सुना दो। दूसरी चीज ये है कि बच्चा सोच ही नहीं पा रहा है क्योंकि एक एक सेकंड के टाइम में फिर दूसरे को पास हो जाता है क्वेश्चन। तो बहुत ही अच्छा रहा वाइवा,